दोस्तों सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 14 को आज रात के एपिसोड के बाद फाइनली शो को मिल जाएंगे उसके टॉप 10 कंटेस्टेंट से, जब इस हफ्ते के वीकेंड एपिसोड के एंड में किया जाएगा इस सीजन के एक और शॉकिंग इविक्शन का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों शो में बचे सभी टॉप 11 कंटेस्टेंट्स के लिए ये हफ्ता बेहद ही खास रहने वाला है। वहीं दोस्तों शो के इस लेटेस्ट एलिमिनेशन को लेकर अभी तक कई मीडिया रिपोर्ट्स और दोस्तों कुछ चैनल से अपना प्रिडिक्शन दे भी चुके हैं, जिसमें कुछ का दावा है कि इस हफ्ते आद्या मिश्रा इंडियन आइडल से बाहर हो गई हैं। तो वहीं दोस्तों कुछ ओबम टांगू और मेनुका पोडेल के इविक्शन को लेकर भी अपना दावा कर चुके हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आखिर क्या इसकी पूरी सच्चाई और क्या वाकई में मेनुका पोडेल इस हफ्ते हो गई हैं इंडियन आइडल से बाहर, चलिए जानते हैं सब कुछ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि इंडियन आइडल से जुड़ी हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो भैया इस हफ्ते जहां तक इविक्शन का सवाल है तो आपको बता दें कि इस हफ्ते शो में एलिमिनेशन राउंड होगा जो कि पब्लिक वोटिंग के मुताबिक और दोस्तों जजेस स्कोर्स के बेस पर होगा। यानी कि दोस्तों इस हफ्ते भी शो के जजेज कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस के लिए उन्हें जजेस स्कोर्स देंगे। लेकिन दोस्तों मेनुका पोडेल इस हफ्ते शो से बाहर हो गई हैं ये सच नहीं है। जी हाँ, बता देंगे टॉप हाइस्ट वोटिंग कंटेस्टेंट्स में मेनुका एक बढ़िया पोजिशन पर है और उनकी बदौलत जमकर TRP भी मिल रही है। वहीं ओबम को लेकर भी शो में कुछ ऐसा ही बज बना हुआ है और दोस्तों ऐसे में शो के मेकर्स इनका इविक्शन करें यह फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, हालांकि उन्हें बॉटम में जरूर रखा जा सकता है। बाकी देखते हैं आने वाले एपिसोड में आखिर कौन होता है इंडियन आइडल से बाहर, शायद वैभव गुप्ता, मुस्कान श्रीवास्तव या फिर दोस्तों पीयूष में से कोई एक।